दोस्तों, हमारी ज़िंदगी बदलने में छोटी छोटी बातें बहुत बड़ा मैसेज दे जाती हैं। एक बार एक परेशान आदमी साधु के पास जाता है और बोलता है, बाबा मैं बहुत परेशान हूँ। बाबा, मेरे को लोग डराते हैं, बोलते हैं ये मत करो वो मत करो, अलग अलग सलाह देते हैं, लोग बुरा बुरा बोलते हैं, मेरा दिल दुखाते हैं। और कुछ लोग हिम्मत भी देते हैं, बाबा मैं किसकी बात मानूं और किसकी बात नहीं मानूं, बाबा मैं बहुत परेशान हो जाता हूं, क्या करूं। बाबा उसकी सभी बातों को सुनकर उसको एक चमकता हुआ पत्थर देते हैं, बोलते हैं तू बाहर जाकर इसकी कीमत लगवा, लेकिन याद रखना इस पत्थर को बेचना मत। वो मार्केट में जाता है, सबसे पहले उसको एक फल वाला मिलता है, उसको जाकर पत्थर दिखाता है और बोलता है तू इसके बदले में मेरे को क्या देगा। फल वाला पत्थर को देखता है और बोलता है मैं तेरे को इस पत्थर के बदले 1 किलो सेब दूंगा। वो बोलता है मुझे बेचना नहीं है और आगे चल देता है। फिर उसको एक सब्जी वाला मिलता है, वो सब्जी वाले को पत्थर दिखाता है, सब्जी वाला पत्थर को देखता है, सब्जी वाला बोलता है मैं तेरे को इस पत्थर के बदले 1 बोरी आलू दूंगा। वो बोलता है बेचना नहीं है और आगे चल देता है। आगे जाकर उसे एक सुनार मिलता है और सुनार को उस पत्थर को दिखाता है और बोलता है कि तू मुझे इसके बदले क्या देगा। सुनार बोलता है मैं इस पत्थर के बदले तेरे को 20 लाख दूंगा। लेकिन वो इंसान बोलता है मेरे को ये पत्थर बेचना नहीं है और आगे चल देता है। आगे चलते चलते उसे एक हीरो का व्यापारी मिलता है। हीरो का व्यापारी उस पत्थर को देखता है और उस पत्थर को पूछता है और उस इंसान से बोलता है तेरे को ये पत्थर कहाँ से मिला, ये पत्थर तो बेशकीमती है, मैं तेरे को इस पत्थर के बदले 1 करोड़ रुपये दूंगा। लेकिन वो इंसान उस पत्थर को वापस ले लेता है और बोलता है मेरे को ये पत्थर बेचना नहीं है। वो इंसान वापस पत्थर को लेकर बाबा के पास चल देता है और बाबा के पास पहुंचकर बहुत सारे सवाल करता है। बाबा उसके सभी सवालों का जवाब देता है। बाबा बोलता है तू अपने साथ बेशकीमती हीरा लेकर गया था, लेकिन किसी व्यक्ति ने तेरे इस पत्थर की कीमत 1 किलो सेब लगाई, किसी ने 1 किलो बोरी आलू लगाई, तो किसी ने 20 लाख रुपए लगाया, तो किसी ने 1 करोड़ भी लगाया। ऐसे ही लोग भी तुझे अपने हिसाब से आंकते हैं और अपने हिसाब से बोलते हैं, ये तेरे ऊपर है तो किसकी बात मानता है या किसकी बात नहीं मानता। तेरा नजरिया वैसा ही होता जाएगा जिसकी तू जैसी बात मानेगा। इसी तरह दोस्तों, हमें भी इसी तरह तरह के लोग मिलते हैं जो बोलते हैं तो कुछ नहीं कर सकता, तेरे बस की कुछ भी नहीं है, तेरे पर नहीं होगा, और हम दोस्तों उनकी बात मान लेते हैं और अपनी ज़िंदगी उनके हिसाब से करने लगते हैं और उनके हिसाब से चलते चलते अपनी ज़िंदगी ख़राब कर लेते हैं और हम भूल जाते हैं अपनी ताकत। दोस्तों, हमारे अंदर बहुत ज़्यादा ताकत है, हमारे अंदर बहुत टैलेंट है, हमारे अंदर बहुत काबिलियत है, हमारे अंदर बहुत हुनर है। हम लोगों की बात मान के बिजनेस करना छोड़ देते हैं, नौकरी में लग जाते हैं, हम लोगों की बात मान के अपना भविष्य खराब कर लेते हैं। दोस्तों, अपनी ताकत किसी और को ना लगवाने दो, अपनी कीमत हमें खुद लगानी है। हम अनमोल हैं, हम चमकते रहेंगे हमेशा, हम बेशकीमती हीरे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।